गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियर व्हील ड्राइव व्हीकल के बारे में कि रियर व्हील ड्राइव में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या क्या उनका मेन पर्पस होता है। स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में और जो हमारा एक स्लिप ज्वाइंट होता है, तो इन दोनों का मेन काम क्या है। रियर व्हील ड्राइव से मतलब कि इंजन की ड्राइव जो रियर व्हील्स में जाती है जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। आजकल की गाड़ी में पैसेंजर व्हीकल्स में ज़्यादा आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलेगी जिसमें इंजन की पावर सीधा जो है वो फ्रंट व्हील्स में जाती है। बट रियर व्हील ड्राइव दो केस में होता है, या तो 4x4 व्हील व्हीकल हो आपकी गाड़ी, जैसे जीप है तो उसमें फ्रंट वाले पहियों में भी ड्राइव रहती है, पिछले वाले पहियों में भी ड्राइव रहती है। बट जिन गाड़ियों में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव रहती है, जैसे ये एम्बेसडर गाड़ी का जो है वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। यहाँ से जब पावर बनती है, सबको पता है कि फ्यूल जलने से पावर जनरेट होती है, तो वो यहाँ पे फ्लाई व्हील आता है और ये क्लच असेंबली है। तो ये क्लच असेंबली में से होकर इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप इसको आई वॉल में देख सकते हैं ऊपर। इसके बाद यहाँ से फिर ये गियर बॉक्स में आती है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ये भी आप आई वॉल में देख सकते हैं। और क्या क्या इसके गियर बॉक्स में कैसे रेशोज जो है वो कम ज़्यादा होती है, तो एक चीज़ आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट आप देखोगे कि यहाँ यहाँ पे दो जॉइंट्स में बंटी हुई है, क्योंकि ये सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट इसलिए नहीं, एक सिंगल शाफ्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बीच में यूनिवर्सल जॉइंट दिए गए हैं। यूनिवर्सल जॉइंट का काम ये होता है कि जब गाड़ी चलती है तो व्हील्स जब खड्डों में जो पॉट होल्स होते हैं उनमें जब जाते हैं तो एक्सल की मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट रहती है, ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से शाफ्ट में जो है वो एक एंगल मेंटेन एंगल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ये यूनिवर्सल ना होगा जॉइंट, तो यूनिवर्सल की अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से, जो कि खड्डों की वजह से, पॉट होल की वजह से हो रही है, उसकी वजह से शाफ्ट जो है वो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो बीच में से टूट सकती है और टूट भी जाती है। यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब होता है, इसका मेन काम है, जैसे मैं यहाँ एक बाहर, ये तो असेंबल्ड है, एक बाहर यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये आप देखोगे कि इसकी मूवमेंट दो तरह से रहती है। एक तो ये मूवमेंट रहती है इसकी इस तरह से अप एंड डाउन, और यहाँ से भी इस तरह से भी, तो दोनों तरफ से इसकी मूवमेंट रहती है ताकि जब एक्सल ऊपर नीचे हो तो शाफ्ट जो ब्रेक ना होने की ना हो और वो एक एंगुलर मूवमेंट ले ले, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जिसकी वजह से शाफ्ट एंगल ले लेती है और वो टूटने से बच जाती है। दूसरा मैं मेन बात, ये तो था यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में, दूसरा मैं बात करता हूँ स्लिप जॉइंट के बारे में। शाफ्ट में एक और चीज़ दी जाती है स्लिप जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट तो मैंने बताया कि एंगल फॉर्मेशन ऊपर नीचे और इस तरह से टू एंड फ्रो, बट जो स्लिप जॉइंट है, स्लिप जॉइंट शाफ्ट की लेंथ को मेंटेन करता है, क्योंकि ये भी पॉट होल्स की वजह से होता है। जब हमारे रियर व्हील्स जो हैं वो खड्डों में जाते हैं, पॉट होल्स में जाते हैं, तो एक्सल की मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, कई बार बैक एंड फोर्थ भी होती है, तो जिसकी वजह से शाफ्ट जो है अपनी लेंथ को मेंटेन कर लेती है। कैसे, देखिए ज़रा, ये आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अगर लेंथ इलोंगेशन, अगर शाफ्ट में अगर इलोंगेशन फॉर्मेशन भी हो रही हो इस तरह से, तो भी ये अपनी लेंथ को मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से शाफ्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट होने से या फिर ब्रेक होने से जो है वो बच जाती है। और फाइनल जो हमारी फिर ड्राइव होती है वो फिर आपको पता ही है, यहाँ पर डिफरेंशियल है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप ये भी देख सकते हैं आई वॉल में। फिर ये इस तरह से पावर जो हमारे रियर व्हील में जाती है, और पावर को इस तरह से ये हमारा जो ड्राइव है रियर व्हील ड्राइव पूरा का पूरा इस तरह से मेंटेन करता है। तो इसमें से ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूनिवर्सल जॉइंट और सेकंड वन इज स्लिप जॉइंट। यहाँ पे दो यूनिवर्सल जॉइंट दे रखे हैं शाफ्ट में, कुछ शाफ्ट में एक यूनिवर्सल ही जॉइंट होता है, कुछ में तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी लंबी है। तो ये था एक वीडियो छोटा सा कि रियर व्हील ड्राइव में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका मेन पर्पस क्या है। किसी ने मेरे से पूछा था कि इसके बारे में हम वीडियो बनाइएगा, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।